हेलो दोस्तों, मैं ना अमित कुमार दिल्ली से। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एंड्रॉयड कार। ये मेरा इसका नंबर है TPHV320.PV801। ये एक एंड्रॉयड बोर्ड है और इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसके जो सॉफ्टवेयर है, जो इसका फाइल का सॉफ्टवेयर है, वो फुल HD का है और मेरे पे जो डिस्प्ले सिस्टम नॉन HD की डिस्प्ले है, तो नॉन HD डिस्प्ले पे ये नो डिस्प्ले आता है, मतलब डिस्प्ले शो नहीं करेगा। तो इसको नॉन HD बनाने के लिए मैंने करा क्या है, पेन ड्राइव में मैंने इसका फाइल है वो कॉपी कर लिया। ठीक है, पेन ड्राइव में कॉपी करने के बाद फाइल को ये मैंने सीधा इसका USB में लगा दिया। USB में लगाने के बाद सीधा जो आपका मेन स्विच है, यानी कि TV का मेन स्विच जो है, सीधा प्लग इन कर लो। अब इसकी लाल बत्ती जली नहीं है, फिर से इसको एक बार निकाल के फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो इसकी बत्ती जली, अब बत्ती जलने है, देखो ये ऑटोमेटिक इसका ब्लिंक करने लगेगा अभी टीवी इसका। ये देखिए इसका ये पेन ड्राइव जो है बूट करने लग गया, उसके बत्ती देखिए ब्लिंक कर रही है। उसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इसका अपडेट हो रहा है। तो आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ, इस टाइम आपका डिस्प्ले क्या शो करेगा। ये देखिए ये इसका पकड़े प्रोसेसिंग चलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये 100% हो जाएगा, ये आपका टीवी जो है नॉर्मली ऑन हो जाएगा। कभी भी कोई एंड्रॉयड टीवी का सॉफ्टवेयर करते हैं, तो जो पेंडा वाली फाइल है आपके पास, वो एक्चुअल पेंडा वाली फाइल वो सही है या नहीं है, मेन चीज़ वो होती है। तो आपको कभी भी कोई एंड्रॉयड वाली फाइल चाहिए हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट आपके स्क्रीन पर आ रखा होगा। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना बोर्ड का नंबर, पैनल का रेजुलेशन और कंपनी कौन सी है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, तो मैं आपको साथ फाइल को सेंड कर सकता हूँ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो मुझे और मोटिवेट नहीं मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे और मोटिवेट मिलेगा कि ऐसी और वीडियो बनाओ जिससे कि लोगों को हेल्प हो। सॉफ्टवेयर की कुछ भी फाइलें अगर चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम लोग LED TV रिपेयरिंग का कोर्स भी करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं, जिसके अंदर आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट है। ये देखिए जैसे ही आपका हो गया अपग्रेड, सक्सेस लिख के आ गया। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका टीवी नॉर्मली रिबूट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, प्लीज़ रिबूट दी मशीन। अब मैं क्या करूँगा, इसका पेन ड्राइव निकाल के मेन स्विच से इसको ऑन ऑफ करूँगा। ये मैं इसका पेन ड्राइव निकाल लेते हैं, अभी भी देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये अपडेट हो रहा है। तो मैं इसको सीधा मेन स्विच से इसको पेन ड्राइव पहले पहले बाहर निकाल लेते हैं। पेन ड्राइव बाहर निकालने के बाद अब करना क्या है, आपको सीधा मेन स्विच से उसको ऑन करना है और ऑफ करना है। यहाँ से मैंने इसको देखिए ऑफ कर दिया, इसको सीधा यहाँ से ऑन करना है। मेरा लॉक प्लग थोड़ा सा निकला है, अब देखते हैं कि इसकी डिस्प्ले आई है कि नहीं आई। देखिए डिस्प्ले आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ गया स्मार्ट। मैं इसको पूरा उठा नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर सप्लाई वगैरह सब लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा सकता हूँ इस तरीके से। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के लिए, जिससे कि मैं आपको और वीडियो सेंड करूँ। तो पेन ड्राइव वाली फाइल इजीली छट जाती है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो पेन ड्राइव लेना है वो 2 GB तक का ले लो, 2 GB के तक का सही रहता है पेन ड्राइव इस काम के लिए। थैंक यू गाइस। तो इसी तरह का आपको और वीडियो देखनी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कल मिलते हैं, फिर से आपको बोर्ड दिखाता हूँ। बोर्ड का नंबर क्या है, TPHV320.PV801। ओके सर, थैंक यू।